40 में लिखा हुआ है कि एक एलिवेटर में एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंक्लिनेशन का लेंथ है एल, ये एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एलिवेटर इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्यूडो फोर्स का कोई टेंशन नहीं है, एक्सेलरेटेड सिस्टम नहीं है। तो क्या क्या फोर्सेज इस पर लगेगा इस ब्लॉक पर बताओ, एम जी एंड नॉर्मल, बस नो स्यूडो फोर्स। अब इंक्लाइन प्लेन पर ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका कितना आया था एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा नहीं था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑन एन इंक्लाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेप, द एक्सेलरेशन विच वी गेट वाज जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब क्या करना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, सो एल इक्वल टू एस इक्वल टू होता है हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे एल इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, टी कितना आ जाएगा, समझ में आया सभी को, ओके। 41 नंबर का देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पेंडुलम हैंगिंग है कार के सीलिंग से, एंड कार इज एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन ए, एंड इट इज आल्सो रिटन द पेंडुलम इज मेकिंग ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, और वही एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे कार एक्सेलरेट होगा, इधर तुम लोग भी नोटिस किए होंगे कि जो अगर कोई चीज हैंगिंग है कार, तो पीछे की तरफ ऐसे जाने का ट्राई करता है, ठीक है, पीछे की तरफ जाने का ट्राई करता है अगर कार एक्सेलरेटेड हो, ठीक है। बट इसमें दिया हुआ कांस्टेंट एंगल मेंटेन कर रहा है, ऑसिलेशन हम लोग को नहीं कंसीडर करना है। तो इफ इट इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल थीटा, तो कार के अंदर इस पेंडुलम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इफ पेंडुलम इज नॉट मूविंग इन द कार, इट मींस नेट फोर्स ऑन दिस पेंडुलम शुड बी जीरो। इफ पेंडुलम इज स्टैटिक इनसाइड द कार, इट मींस नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम शुड बी जीरो। अब पेंडुलम पर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, एक होगा एम जी, दूसरा होगा क्योंकि मूविंग कार के अंदर से हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक, मूविंग कार के अंदर से सूडो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेटेड कार के अंदर से, that will be ma, and third is tension. These three forces if added should give zero value, ठीक है। तो ये अगर हो जाता है जीरो, तो किस एंगल पर ये जीरो होगा, यही चीज हम लोग को फाइंड आउट करना, वो एंगल लिखा, ठीक है। तो फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट एंगल इन एक्सेलरेटेड कार मीन्स नेट फोर्स शुड बी जीरो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बैलेंस करना है टोटल जीरो, तो टेंशन का कॉस कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा। कंसीडर फोर्सेज अलोंग वर्टिकल, द कॉस कंपोनेंट ऑफ टेंशन विल बैलेंस mg, सो p cos थीटा विल बी व्हाट, mg, एंड साइन कंपोनेंट ऑफ टेंशन हॉरिजॉन्टल विल बैलेंस ma, so p sin theta will be ma, ठीक है। now we have two equations, if you divide equation 2 with equation 1 we will get tt cancelled, sin theta by cos theta, mm cancelled, a by g, यानी कि tan theta equal to ए बाई जी, तो दिस इज द एंगल वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज द एंगल वी आर गोइंग टू गेट इफ ए इज जीरो। अगर जीरो होता तो कितना होता है एंगल, एंगल हो जाता जीरो, ऐसे वर्टिकल रहता सब, जैसे जैसे ए बढ़ाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, बहुत हाई एक्सेलरेशन कर दो तो एकदम पीछे की तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. Second part of the same question. We have an incline in the car at which object is kept and it is not sliding on the incline. Not sliding on the incline, so theta kya hoga ye bata. Theek hai? An object is kept on the incline inside the car and it is not sliding. So theta bata. तो इसका भी एकदम सिमिलर केस है. तो क्या क्या फोर्सेस लगते हैं? स्टैटिक है, ये क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं ऑलरेडी. स्टैटिक है, क्या क्या लगते हैं? एम जी नॉर्मल, क्योंकि कार के अंदर से देख रहे हैं, स्यूडो फोर्स. देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एंड ऑल द थ्री शुड एड टू जीरो. जीरो होना चाहिए तभी स्टैटिक हो. तो हम लोग देखते हैं इंक्लाइन पर वो स्लाइड अगर नहीं करता है तो देखते हैं हम लोग नॉर्मल हो गया, ये हो गया एम ए, हो गया एम जी. देखो इस डायरेक्शन में हम लोग कॉम्पोनेंट क्या लिखते हैं एक्स और वाई के अलोंग एक्स. अलोंग एक्स क्या लिखा जाएगा अगर ये थीटा है? मूवमेंट तो एक्स के अलोंग ही हो सकता, वाई में तो ऐसे भी नहीं होगा. x के अलोंग mg का कंपोनेंट कितना होगा? x के अलोंग कौन सा होता है? साइन होता है ना, mg साइन थीटा. एंड ma का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, ma cos. दोनों बराबर होगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा. बोथ साइड फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो वी कैन राइट लाइक दिस. सो tan थीटा इज हाउ मच? सेम आंसर आता है दोनों केसेस, ठीक है? सेम आंसर आएगा बोथ द केसेस. टू वी हैव एन एलिवेटर एंड ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर वी हैव एन ऑब्जेक्ट केप्ट. द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, देखो क्या होगा. ऐसे ही नीचे की तरफ डिसेलरेट एक्सेलरेट हुआ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ? मैक्सिमम जी हो सकता है. देखो एग्जांपल में बता रहा हूँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसे हाथ पर रखा है, ठीक है? अभी इस पर फोर्स है एम जी और नॉर्मल. अगर मैं बहुत तेजी से एक्सेलरेट करूँ, हाथ को तेजी से मैं नीचे खींचा, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऐसे हवा में आ गया, ठीक है? ये हवा में क्यों आ गया? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की वजह से, और हाथ को मैंने ज़्यादा जोर से एक्सेलरेट किया. वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, लिफ्ट इज गेटिंग एक्सेलरेटेड विथ व्हाट? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड ऑब्जेक्ट किससे फॉल कर रहा है? जी से ज़्यादा जी. तो 0.2 सेकंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ 10 × 20 कैसे आएगा? एक ही सिस्टम में तो रखा हुआ है ना, ये तेजी से नीचे खींचा, ये तो हल्का सा रखा हुआ है, जल्दी ये तो ऊपर आ जाएगा. ये तो सामने को वो करके दिखाया सामने एक्सपेरिमेंट, एक ही सिस्टम में हाथ पर रखा हुआ है, हाथ को अगर जोर से नीचे खींच लो तो ऑब्जेक्ट थोड़ी साथ में नीचे आएगा, बॉक्स के अंदर वो चिपका हुआ थोड़ी है, रखा हुआ है, वो ऊपर उठ जाएगा. हाँ ऊपर हो जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्लाइड तो नहीं करेगा, हम लोग कंडीशन तो वही देखना है. We have to look for the condition when this is
नॉट स्लाइडिंग, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो लेके कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स एन लिए, ठीक है, नॉर्मल फोर्स एन लिए है, एम जी वेट लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, एम जी एंड नॉर्मल का हम लोग को इक्वेशन लिखना है। एम जी का डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट होता है, तो एम जी का कंपोनेंट हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन, सो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, ये एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, जी साइन थीटा, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कितना लग रहा है, ये अगर थीटा है, नॉर्मल का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल कितना होता है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, एंड द सेम नॉर्मल विल एक्ट ऑन द लार्जर ब्लॉक, दैट इज एम जी कॉस थीटा, ठीक है, दिस विल एक्ट ऑन द लार्जर ब्लॉक। अब देखो इस लार्जर ब्लॉक को जो मूव करवाएगा फोर्स, लार्जर ब्लॉक को फोर्सेस क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लार्जर ब्लॉक, हम लोग लार्जर ब्लॉक का एफबीडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एफबीडी फॉर 2m, ठीक है, क्या क्या होगा, 2mg, ठीक है, फिर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये जब इधर जाएगा तो इस तरफ स्लाइड करने का ट्राई करता है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगता है, ठीक है, और एक ग्राउंड से नॉर्मल इसको लगेगा, एन डैश, तो दीज आर द फोर फोर्सेस। देखो ग्राउंड से इसको दो फोर्स मिल रहा है, एक फ्रिक्शन और एक एन डैश नॉर्मल, एंड ऊपर ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल मिल रहा है एंड एक 2mg का अपना वेट है, दीज आर द फोर्सेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि n डैश का वैल्यू कितना है, तो देखो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और n डैश का इक्वेशन हम लोग वर्टिकल इक्वेशन पहले लिखते हैं, अलोंग वर्टिकल इक्वेशन, अलोंग वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल के अलोंग इक्वेशन क्या होगा, n डैश ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या क्या है, 2mg प्लस n cos थीटा, ये होगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n डैश, 2mg, एंड n का वैल्यू क्या है, नॉर्मल जो ऊपर से आ रहा है नॉर्मल, mg cos थीटा, सो mg cos थीटा इनटू cos थीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है, दिस इज n डैश। अब ये n डैश इनटू म्यू करेंगे तो क्या आएगा, फ्रिक्शन, n डैश इनटू म्यू इज फ्रिक्शन, ठीक है, एंड दिस फ्रिक्शन शुड बैलेंस विद द n sin थीटा, ये तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, लिख देते हैं, हो जाएगा 2mg प्लस mg cos स्क्वायर थीटा इनटू म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन जो है, अब ये फ्रिक्शन जो है वो किससे बैलेंस होगा, नॉर्मल के इस तरफ कंपोनेंट, एसी अभी चल रहा है, लाइट है क्या, बंद करो, देखो इसमें अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है, एक फ्रिक्शन है और दूसरा है नॉर्मल का साइन थीटा कंपोनेंट, सो वी विल राइट फ्रिक्शन इक्वल टू एन साइन थीटा, ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, ये एन का वैल्यू, ये एन डैश नहीं, एम जी कॉस थीटा, सो वी कैन राइट एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, ये फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट कर दो, तुम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, इसको लिखते हैं एम जी टू प्लस
cos square theta mu, mg mg cancel, क्या आ जाएगा mu equal to cos theta sin theta divided by 2 plus cos square theta, ये होगा आंसर। mu का वैल्यू मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, अच्छा इसमें वैल्यूज दिया हुआ है तो 45 दिया हुआ है, तो 45 जस्ट पुट कर दो तो कितना आता है, 1 by root 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 by 2 5 by 2 कितना रहा, 0.2 आ रहा है, ठीक है। 0.2 should be the coefficient of friction, ठीक है।